पड़ा है, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, यहाँ पे पहले जो थे ना हमारे चिकन्स, तीन थे। अरे भाई रोज़ेदारों, हम बना रहे हैं अचारी पकौड़ा विद पालक एंड आलूज़। दो पकौड़े मैंने अलग से रखे हैं, इनका कलर भी आपको चेंज लग रहा होगा, वहाँ पे खजूरें पड़ी हैं। अच्छा ये वाले जो है ना, ये हैं अंडे वाले, ठीक है, अंडे के पकौड़े, और ये वाले जो है ना, ये अचार के पकौड़े हैं। और दोनों का कितने प्यारे बादल हैं यहाँ ना, माशाल्लाह। आज तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है और सीन भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो मौसम कुछ इस तरह का हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। यहाँ पे एक फड्डा सा पड़ गया है, तो वो कौन सा पड़ा है मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, यहाँ पे पहले जो थे ना हमारे चिकन्स, तीन थे, और अब पूरे घोंसले को आप अच्छे से चेक करें तो यहाँ पे अब दो हैं, और ये वाला तो यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे जो एक था वो कहाँ गया? अभी यही बात जो है ना, परेशानी वाली बात है कि वो कहाँ भाग गया और किधर गया। तो मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ पे हपचू आया हुआ है, चांद की टुकड़ी आई हुई है, हालांकि जान आई हुई है। और ये रहा, तो ये है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया था, ज़्यादा फुर्ती दिखा रहा था, और इसने इन वालों को मारा है, इनके साथ फाइटिंग की है, तो इस वजह से इसको सेपरेट कर दिया। मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता किसने किया था, लेकिन सुबह पता चला तो ये काम अम्मी लोगों ने किया था। यहाँ पे हमारे पैरेट्स बैठे हैं, बट यहाँ पे मैंने कपड़ा टांग दिया था, तो इसको ऊपर करते हैं, बिकॉज़ के धूप आ रही थी। तो अब जो है ना, बादल आ गए हैं, ऊपर का मौसम दिखाऊंगी। देखें कितने प्यारे बादल हैं यहाँ ना, माशाल्लाह। आज तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है और सीन भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो मौसम कुछ इस तरह का हो। माय गॉड, बच गई है बस थोड़ी सी, तो ये इसने काम बिगाड़ दिया है। अब इसको खाने लगानी है ठंडी। अब इसको ठंडी लगाने के बाद जो है ना, इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। अब इसने काम बढ़ा दिया, और वैसे भी इफ्तारी के लिए कुछ बनाना है, फिर उसके बाद इफ्तार का कुछ बनाते हैं। और नो आइडिया है क्या। यहाँ पे देखिए आप सारी है, और मुझे कहती है खाली चीज़ ही ला के दो, मैं थोड़ा मसरूफ थी तो खुद भाग के अंदर फ्रिज में और ये निकाल के लिए। और अब उनके साथ इसने जो हशर किया हुआ है ना स्ट्रॉबेरीज के साथ, ये देखिए बुरी बात फैलाते नहीं है, बुरी बात उठाओ उसे, इनको उठाओ और उधर रखो, फैलाना नहीं है हफ्सा, इनको अंदर रखो, इधर रखो, इन इश वाले को ना इसमें रखो। हाय हाय लड़की, इन वालों को ना इसमें रखो, उल्टा 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 काम है उल्टे काम है इसके। अरे भाई रोज़ेदारों, हम बना रहे हैं अचारी पकोड़ा विद पालक एंड आलूज़। तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखेंगे मेरी अम्मा वो कर रही हैं। तो आप में से जो है ना, किस किस ने अचारी पकोड़ा खाया है विद आलू एंड पालक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कितने मज़े के बने। वैसे ये बहुत मज़े के बनते हैं, कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तार की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे जो ये वाले पकौड़े नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये जो हैं ये अचार वाले हैं। यहाँ पे मैंने शेक बनाया है, तो ये कौन सा शेक है ये आपने कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे ये दो अलग पकौड़े बने, और ये वाले जो है ना ये हैं अंडे वाले, ठीक है। आपने कभी अंडे के पकौड़े बनाए हैं? अगर हाँ तो आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। और जी अभी हो गया है हमारे इफ्तार का टाइम, तो हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी हमने इफ्तार करना है, नमाज़ पढ़नी है, और देन हम मिलेंगे। तो आज आपने इफ्तार में क्या बनाया था ये भी कमेंट करके बताइएगा। और मुझे लगता है कि रोज़ों के साथ साथ पकौड़े भी हम पे फ़र्ज़ हो चुके हैं। ये पहले तो ये होता था कि अभी रात हो चुकी है, तो मैं ना इनको मतलब सही से अलग से बंद कर देती थी। तीन यहाँ पे होते थे और एक यहाँ पे होता था, अब जो है ना चार हो गए। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं इन सारों को जो है ना किस तरह से अलग अलग वो मैनेज करूँ। तो मतलब जितनी ज़्यादा चीज़ें होती है ना उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, ये बात मुझे अब समझ आई है। तो जब एक था ना तब सिंपल सी ज़िंदगी थी, अब इतने हो गए तो अब ज़िंदगी जो है ना ऐसे लगता है कि इन्हीं के साथ बन चुकी है। और क्या बताऊँ क्या हो गया इसको, इसको देखिए ये जंपिंग कर रहा है, इसको सुकून ही नहीं है। और ये वाले जो है ना अब सोने के मूड में बैठे हैं, इनको नींद आ रही है। सो ये वाले तो पता नहीं इनका क्या हो सकता है।
ओके जी, हम फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार से व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल में आसानी फरमाए। अल्लाह हाफिज़।